नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यमुनानगर के चांदपुर स्थित एक शराब के ठेके के बाहर हुए विवाद में एक पक्ष के लोगों ने शराब के ठेके पर ही डकैती डाल दी। दरअसल चांदपुर के शराब के ठेके के बाहर किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। एक पक्ष के लोगों ने एक युवक पर हमला बोल दिया। संजीव गिरी नामक युवक बदमाशों के हाथ से बचकर ठेके के अंदर बचाव के लिए भाग कर आ गया, लेकिन बदमाशों ने उस पर जमकर पत्थरबाजी की और उसके पीछे ही ठेके के अंदर घुस आए। हालांकि ठेके के अंदर ही दोनों पक्षों में विवाद हो गया और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस झगड़े में पुलिस ने इस घायल को उठाकर अस्पताल पहुंचाया और ठेके को बंद करवाकर सेल्समैनों को भी घर भेज दिया, लेकिन घायल युवक के साथियों ने देर रात ठेके के पिछले हिस्से का शटर तोड़कर ठेके में दाखिल होकर अंदर पड़ी शराब को तहस नहस कर दिया। बदमाशों ने ठेके के अंदर पड़ी अलमारी को तोड़कर उसके अंदर से नकदी उड़ा ली। मिली जानकारी के मुताबिक बदमाश कुल 6 लाख के करीब कैश उठाकर ले गए। यहां तक कि बदमाश जाते समय महंगी अंग्रेजी शराब और स्कॉच आदि की पेटियों को उठाकर भी ले गए। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश जाते समय अपने हथियार ठेके में ही छोड़ गए। इन हथियारों में एक देसी कट्टा, दो तलवारें, एक कछुआ और एक कस्ती को बरामद किया गया है। सुबह जब सेल्समैन ठेके पर पहुंचे तो ठेके की हालत देखकर उनके होश फाख्ता हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौके पर पड़े हथियारों को कब्जे में ले लिया। मामला डकैती का था, इसको लेकर पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और DVR को कब्जे में लेकर जब CCTV फुटेज खंगाली गई तो उसमें साफ दिखा कि कैसे बदमाशों ने लूटपाट मचाई थी। फिलहाल मौके पर ही पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम की टीम को बुला लिया है। बताया जा रहा है कि कुल 20 के करीब बदमाश थे जिन्होंने देर रात को लूटपाट को अंजाम दिया और वहीं बदमाशों की ओर से उठाए गए शराब की पेटियां भी ठेके से कुछ ही दूरी पर पड़ी हुई मिली, जिन्हें कुछ लोग उठाकर ले गए। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जांच करने के बाद मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जगाधरी से हमारी संवाददाता गुरप्रीत कौर की रिपोर्ट। हम अपना काम कर रहे थे, रात 10:30 बजे की बात है, बस आपस में बाहर झगड़ा हुआ किसी का, अंदर आए, एक अंदर बढ़ गया उनमें से, आके बस तोड़ फोड़ सारी दुकान की थी, हमारी गल भी मार पिटाई, एक उनका कट्टा रह गया यहाँ, एक पकड़ गया अंदर, खींच लिया था हमने, फिर अपना पता नहीं कैसे कैसे जान बचा के भागे यहाँ से दुकान पे जी, अपने यहाँ से जी नुकसान कम से कम सारी कुछ इम्पोर्टेंट सारी शराब तोड़ तोड़ दी, पेटियाँ उठा के ले गए। कैश जी संडे था जी कल, जो भी टोटल हमारा जितना भी कैश था तीनों दुकानों का सारा का सारा यहीं का, सब कुछ लेके था गए यहाँ से जी। टाइम 12:30 का टाइम था, हम अपने अपने कमरे में सो रहे थे, जी मेरा कमरा उधर है जी, तो जी लड़के आए जी 30-35, उन्होंने इधर इंटर मारनी चालू करी, फिर गेट पे, फिर उस गेट पे इंटर मारनी चालू करी, गेट खोल के एक लड़का अंदर बढ़ गया विक्रम नाम का, 35 लड़के थे जी, बस इन्होंने मारा जी, मैं ऊपर खड़ा था, ऊपर से मेरे को खींच लिया नीचे गिरा और यहाँ से सीट लेके मारा मैंने। सर इनका पहले हमारे पास करीब 10:30 के आसपास कॉल आई थी कि शादी है यहाँ पीछे, उसमें शादी में इनका पहले झगड़ा हुआ दोनों पक्षों का, हालांकि उसमें ठेका पक्ष की तरफ से ये संजीत गिरी था झगड़े में, ये ठेका पक्ष की तरफ से ये नहीं है, इनका पहले झगड़ा हुआ, हम वहाँ मौके पर गए हैं, वहाँ पर तो चलो जिस टाइम हम गए उस टाइम कोई मौजूद नहीं था, उसके बाद इनका ठेके के बाहर झगड़ा हुआ था, वो लड़का यहाँ अंकित है जो मेन एक्टिविट है उसका भी यहाँ छोटे छोटे लोग, जिसको हमने एडमिट करवा था सिविल हॉस्पिटल में, बट अब वहाँ से वो फरार है, उस टाइम तो पर हमारे पास कोई कंप्लेंट अवेलेबल नहीं थी, उस टाइम हमने ठेका भी बंद करवाया ताकि कोई और बड़ी घटना ना होए। उसके बाद रात को सुबह इन्होंने आगे देखा था ठेके में काफ़ी तोड़फोड़ की हुई है, काफ़ी ये करे नुकसान भी हुआ जी, कैश है करीब 5-6 लाख रुपये वो भी ले गए हैं, जिसमें कि LED तोड़ दी है और कई चीज़ें तोड़ी हुई हैं, नुकसान भी हुआ है, बाद में अपनी कंप्लेंट दूंगा और उसके बाद जो भी दरखास्त देगा जितना भी नुकसान होगा कार्रवाई करूँगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।